गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है द जंक सेलर, ठीक है ना। तो ये क्लास फोर्थ की मैथमेटिक्स में न्यू चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, तो इस पिक्चर पे आपको दिखाई दे रहा है कि कबाड़ी की दुकान किरण सुमित्रा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है। चलिए स्टोरी क्या है, कुछ स्टोरी है देखते हैं। हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाली अ वुमेन हु सेल्स जंक। क्या आपने कभी एक कबाड़ी वाली एक औरत से मिले हैं जो कबाड़ बेचती हो। दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु वाज अ जंक शॉप इन पटना। ये एक सच्ची घटना है, कहानी है। किसके द्वारा सुनाई गई है, किरण के द्वारा। और जो कौन है, कबाड़ी कबाड़ बेचने वाली है जो पटना में रहती है, ठीक है ना। उसकी कबाड़ की दुकान पटना में है, ठीक है ना। तो ये जो लेडी है, इसका मतलब ये कौन है, ये किरण है, ठीक है ना। किरण है जो कबाड़ की दुकान चलाती है। अब चलिए देखते हैं उसकी स्टोरी क्या है, रीड करते हैं स्टोरी को उसकी। आई स्टडी इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज। देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल जो गांव में स्कूल था वहां पढ़ी हूँ, और माय फादर मतलब उनके जो किरण के पिताजी हैं, वांटेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज। जो उनके पिता हैं वो मतलब गर्ल्स को बॉयज की तरीके पढ़ाना चाहते थे। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस, कहती है मुझे हिंदी और साइंस मतलब हिंदी और विज्ञान बहुत पसंद था। बट आई हेटेड मैथ्स, लेकिन मैं मैथ से हेटेड करती थी, घृणा करती थी। टुडे मैथ इज मोस्ट यूजफुल माई वर्क। लेकिन अब कह रहे कि आज मैथ्स मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है हमारे काम के लिए, ठीक है ना। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। वो कहती है कि मैंने स्कूल में कभी इमेजिन नहीं किया था। क्या इमेजिन नहीं किया था कि ये जो मैथ काम है ये हमारी काम में बहुत ही यूजफुल होगा आगे चल के। ये उसने इमेजिन नहीं किया होगा कि मैथ कितनी इम्पोर्टेंट है। व्हाट अबाउट यू, डू यू आल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट। अब यहाँ पूछा गया आपके बारे में कि व्हाट अबाउट यू, आप क्या सोचते हैं, डू यू आल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं या फाइंड करते हैं कि मैथ डिफिकल्ट है मतलब कठिन है। तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या सोचते हैं कि आपको भी गणित कठिन लगता है, ठीक है ना। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ बुक। आपकी मैथ्स की बुक में सबसे डिफिकल्ट चीज़ वो कौन सी है, ये भी पूछा गया है। और अगला है व्हाट डू यू थिंक इज द इजिएस्ट लेसन। अब व्हाट डू यू, तुम आप कौन सा सोचते हैं कि सबसे इजिएस्ट लेसन कौन सा है, ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन है हमारे पास कि आप क्या सोचते हैं कि मैथ आपको बहुत ही कठिन लगता है, ठीक है ना, आपसे पूछा गया है। और आपसे पूछा गया है कि मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स कौन सी है आपके मैथ बुक में, और सबसे इजिएस्ट लेसन कौन सा है जो आप सोचते हैं मैथ्स में, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स कठिन है तो आप लिख सकते हैं यस आई फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहते हैं कि नो आई डोंट फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट, आपको जो मैथ्स है कठिन नहीं लगती है, तो नहीं लिखेंगे। तो मेरे विचार से मैथ्स किसी को भी कठिन नहीं लगती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो आई डोंट फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट, ठीक है ना। नो आई डोंट फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट, इट बिकम्स इजी। ये कब इजी हो जाती है, इफ़ वी प्रैक्टिस इट रेगुलरली, ठीक है ना। रेगुलरली जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्या हो जाती है, मैथ्स हमें बहुत इजी लगती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले का आंसर कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया नो आई डोंट फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट, इट बिकम इजी इफ वी प्रैक्टिस इट रेगुलरली, ठीक है ना। इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक। तो ऐसा मैंने लिखता कि मैथ्स की बुक में कोई कोई डिफिकल्ट थिंग ऐसी हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल द चैप्टर दैट आई हैव रीड आर इजी टू अंडरस्टैंड। सभी ऐसे चैप्टर हैं जो आसानी से मतलब समझे जा सकते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर इस तरीके रख लेंगे, कोई भी हमारे मैथ्स में कोई ऐसी चीज जो डिफिकल्ट नहीं है मतलब, ठीक है ना, सभी चीज है।
तो मैंने इसका आंसर लिख दिया ऑल द चैप्टर दैट आई रीड आर इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट लेसन। अब क्या आप ऐसा आप अपने बारे में अपने तरीके से सोच के बता सकते हैं कि सबसे इजीएस्ट लेसन कौन था। तो हम सोचते हैं बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, जो अपना पहला चैप्टर था बिल्डिंग विथ ब्रिक्स चैप्टर फर्स्ट इज द इजीएस्ट लेसन, वो सबसे इजी लेसन था, ठीक है ना। तो जो आपको अब जो जितने ये फिफ्थ चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं उतने में आप बता सकते हैं, जो भी आपको इजी लगा तो उसका नाम ही आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई कंपलसरी नहीं कि कौन आपको इजी लगा। तो मेरे हिसाब से शायद बिल्डिंग विथ ब्रिक्स सबसे इजी है, तो वही नाम लिख सकते हैं। तो मैंने ये आंसर लिख दिया बिल्डिंग विथ ब्रिक्स चैप्टर वन इज इजिएस्ट लेसन, ठीक है ना। तो ये चैप्टर वन यहाँ पे लिख सकते हैं या बिल्डिंग विथ ब्रिक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके इसका आंसर आप लिख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब फिर स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अभी स्टोरी कहाँ तक हुई है कि वो एक हिंदी मीडियम स्कूल गांव में जो था जो वहाँ पढ़ी हुई है, उसके जो पाप जो फादर थे वो जो गर्ल्स को मतलब लड़कियों को बच्चों के तरीके बॉयज के तरीके पढ़ाना चाहते थे, उसको हिंदी और साइंस बहुत पसंद था और लेकिन मैथ से घृणा करती थी, लेकिन वो बाद में उसको समझ में आया कि मैथ तो हमारे काम में बहुत उपयोगी है, ठीक है ना। ऐसा वो स्कूल टाइम नहीं इमेजिन कर सकती थी, ठीक है ना। तो ये स्टोरी है। तो आमतौर पे देखिए सबसे बड़ी बात कि जो वुमेन जंग सेलर नहीं मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना कबाड़ी कबाड़ी वाला देखा होगा, कबाड़ी वाली नहीं देखा होगा, तो कितनी बड़ी बात है। अभी कैसे अपना बिजनेस संभालती है देखते हैं। चलिए पहले आगे देखते हैं क्या हुआ है इसकी इसकी स्टोरी। व्हेन आई वाज यंग, कहती मैं जब यंग थी माई फादर डायड इन एक्सीडेंट, मतलब इसके जो फादर है उनके डेथ मतलब कि डेथ हो गई होगी एक एक्सीडेंट में। सो माई मदर वर्क एज ए सर्वेंट इन सम हाउसेज, इसलिए क्या है इनकी जो माता जी थी वो कई घरों में, ठीक है ना, काम करती थी एज ए सर्वेंट के रूप में। वी हैड ए डिफिकल्ट टाइम, मतलब इस समय उनके पास बहुत ही कठिन समय था। वो आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8th। तब क्या हुआ जब इनके पास मतलब पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा, ऐसी कोई कठिनाइयां आ गई, तो क्या हुआ इनको स्कूल छोड़ना पड़ा। कब? आफ्टर 8th क्लास, मतलब 8th क्लास के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। आई वॉन्ट टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड, मतलब ये और पढ़ना चाह रही थी लेकिन इनकी जो माँ थी इनकी शादी करा दी, ठीक है ना, मतलब किरण की शादी हो गई। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस, कहते हैं जो मेरी पति का जो परिवार था वो कहाँ पे रहता था, एक मड हाउस मतलब कच्चे घर में रहते थे। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल, मतलब उनके दो भाई भी थे और जो उनकी बहन थी वो भी स्कूल नहीं जाते थे। ही हैड अ टी स्टॉल, उनके पास क्या था एक चाय की दुकान थी, ठीक है ना, टी स्टॉल था। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जो नेक्स्ट पेज में क्या एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ मच फॉर ए कप ऑफ टी, आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कास्ट ऑफ ए कप ऑफ अ टी। अब आपको कुछ लोगों से या आपको पता करना है कि एक कप चाय की कीमत कितनी होती है, ठीक है ना। एट ए टी स्टॉल मतलब एक चाय की दुकान में, एट अ होटल और होटल में इसकी कितनी प्राइस है, दोनों यहाँ पे प्राइस आपको लिखना है। तो आप अगर पता करेंगे तो कास्ट ऑफ ए कप अ टी इज ₹5, जो टी स्टॉल मतलब चाय की दुकान में पता करेंगे तो उसकी जो चाय एक कप की कीमत कितनी होती है ₹5। यहीं पर अगर होटल में पता करेंगे एट ए होटल द कास्ट ऑफ ए कप टी एक चाय कीमत लगभग ₹30, ₹20, ₹25 ऐसे मतलब ज्यादा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन हु रन्स ए टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे, एक पर्सन है जो एक टी स्टॉल चलाता है एक दिन में ₹30 कमाता है, हाउ मच ही अर्न इन 10 डेज, तो 10 दिनों में कितना कमाएगा, एंड इन अ मंथ और एक महीने में कितना कमाएगा, ठीक है ना। हाउ डिड यू गेट द आंसर डिस्कस, ये आपको कैसे आंसर निकालना है इसको डिस्कस भी करना है, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, अर्निंग इन अ डे एक दिन में कितना कमाता है ₹30, तो अर्निंग इन 10 डेज तो 10 दिनों में कितना कमाएगा, 30 और 10 की क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो जितने दिनों का निकालना उतने दिन डे से मल्टीप्लीकेशन करें, 30 और 10 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ₹300 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके 300 यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है, एक मंथ में कितना कमाएगा, तो अर्निंग इन अ डे एक दिन में ₹30 कमाता है, तो अर्निंग इन वन मंथ कितना 30 डेज इक्वल होता है, तो 30 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 30 × 30 = 900, तो यहाँ पे ₹900 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो इसको इस तरीके डिस्कस कर सकते हैं, इफ यू नो द प्राइस ऑफ वन आइटम यू कैन फाइंड आउट द टोटल प्राइस ऑफ एनी नंबर द सेम आइटम बाय मल्टीप्लाई। तो इसको इस तरीके लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, हाउ डिड यू गेट द आंसर डिस्कस, इफ यू नो द प्राइस ऑफ वन आइटम यू कैन फाइंड आउट द टोटल प्राइस ऑफ एनी नंबर ऑफ द सेम आइटम बाय मल्टीप्लाइंग द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ आइटम। ठीक है, अगर एक एक आइटम की, ठीक है ना, प्राइस हमें पता चल जाए तो हम जितने भी टोटल नंबर हैं उनके प्राइस पता कर सकते हैं। वन आइटम की जितनी प्राइस है और जितने टोटल आप नंबर है उनकी दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इस तरीके से हम टोटल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके यहाँ पे हमने यही किया है, एक दिन की जो रनिंग थी वहाँ पे लिखी है, पहले 10 डेज की निकाली थी 10 की मल्टीप्लिकेशन की है, फिर एक मंथ की निकालनी थी तो एक मंथ में 30 डेज होते हैं तो 30 से मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ऑन बिजनेस। तो जब वो उसके जब वो हस्बैंड के अपने यहाँ गई तो देखा कि उसके ब्रदर और सिस्टर कोई भी नहीं पढ़ रहा है और उनकी एक चाय की दुकान थी। तो किरण ने क्या सोचा, आई थॉट स्टार्टिंग माई ऑन बिजनेस, सोचा मैं अपना एक खुद का बिजनेस शुरू करूँ। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और टेलर शॉप। अब वो सोच रही थी कि मैं एक बैंगल मतलब जो चूड़ियों की दुकान खोलूँ या टेलर एवं दर्जी की दुकान खोलूँ। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप, ठीक है ना। बट माई अंकल मतलब उसके चाचा, उन्होंने कहा दैट वी कि हम क्या कहा कि हम अगर कबाड़ की दुकान खोलते हैं तो अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा कमा सकते हैं। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप। क्या कहती है, 2001 में उसकी जो मदर इन लॉ थी और उसने स्वयं मिलकर एक जंक की शॉप मतलब कबाड़ की दुकान खोली। वी टुक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर शॉप। अब उन्होंने कितना लोन लिया है, 8,000 का लोन लिया है, ठीक है ना, किसके लिए, जो जंग शॉप जो कबाड़ की दुकान खोलने के लिए। तो आज की मैथमेटिक्स की जो क्लास में सिर्फ इतना ही हम रीड करेंगे, अगले दिन हम और आगे पढ़ेंगे कि लोन क्या होता है, उसकी स्टोरी में और आगे क्या हुआ, फिर आगे रीड करेंगे। तो तब तक आप इतना ही इसको समझ लीजिए, फिर आगे स्टोरी करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।